हरियाणा में फिर किसानों की पुलिस से भिड़ंत, धक्का मुक्की के बाद किसानों पर पानी की बौछार। हरियाणा के झज्जर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच आज फिर से हिंसक झड़प की खबर है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसान हाथों में झंडा लेकर उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की ओर जाते दिखे, लेकिन बीच में ही रास्ते में उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। इस घटना के वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो रही है। थोड़ी ही देर में पुलिस ने वहां पहुंचकर वाटर कैनन से किसानों की भीड़ को तितर बितर करने की भी कोशिश की। इसके बावजूद किसान आगे बढ़ते रहे। पुलिस ने उनके रास्तों की बैरिकेडिंग भी की, लेकिन किसानों ने उसे भी हटा दिया। इस घटना से पहले परेशानी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे और मार्गों को बदल दिया गया था, लेकिन पुलिस की सारी कोशिश से बेकार दिखी। जब किसान नहीं माने तब उपायुक्त श्यामलाल पुनिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से शांति बरतने की अपील की। उपायुक्त ने किसानों से अपील में कहा कि आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, हम भी आपके बच्चे हैं और हम सरकारी ड्यूटी पर हैं, कृपया हमें अपना कर्तव्य निभाने से न रोकें। यह कार्यक्रम समाज के लिए काम करने वाले एक संगठन द्वारा आयोजित है, कृपया कार्यक्रम को बाधित किए बिना अपना विरोध दर्ज करें।